डॉक्टर प्रणाम। जैसा कि अभी आपको भाजपा ने जिले का पंचायत चुनाव का प्रभारी बनाया है, इस संबंध में थोड़ा डिटेल बताएं कि क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। प्रदेश नेतृत्व ने जिले के संगठन के साथ मिल बैठ के परामर्श के द्वारा पूरे जनपद में अच्छे लोगों से संपर्क करके, जिससे कि अच्छे लोग पंचायत चुनाव में जीत के आ सकें, इसकी जिम्मेदारी जो है हम लोगों को दी है। और ये काम हम लोगों को जो है जिला के नेतृत्व के साथ में, जिला कोर कमेटी के साथ में बैठ के जो है इसको अंतिम रूप देना है। और प्रयास होगा कि अच्छे लोग इसमें चुन के आएँ। इसका निर्णय जो है जिला कोर कमेटी बैठ के करेगी, हम लोग भी अपना जो है उसमें जो सुझाव हैं वो देंगे और ये प्रयास करेंगे कि अच्छे लोग आएँ और पंचायत चुनाव जो है बिना इसी भ्रष्टाचार के, यानी जो भ्रष्टाचार इन चुनावों में चल रहा है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके, अच्छे लोग चुन के आ सकें जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। डॉक्टर, जैसे कि आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तब होता है कि जब मेंबर जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, उस समय काफ़ी भ्रष्टाचार की चर्चाएं रहती हैं। तो क्या भाजपा डायरेक्ट चुनाव कराने के मूड में है इस नहीं? डायरेक्ट चुनाव बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं होंगे। पूरी तरीके से सरकार ने यह मन बना लिया है कि पंचायत चुनाव जिस तरीके से होते थे, मेंबर के द्वारा मेंबर चुने जाएंगे, मेंबर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेंगे, जो बीडीसी मेंबर होंगे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेंगे, जिला पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी की ये नीति है कि हम भ्रष्टाचार दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या ये माना जा सकता है कि ये चुनाव, जो पंचायत चुनाव होगा ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक, क्या इसमें पार्टी सिंबल देगी, किस तरीके से क्या रूपरेखा बनी है? इस संबंध में अभी कुछ तय नहीं किया गया है, अभी चुनाव के लिए समय है। अभी केवल हम लोगों का जोर जो है मतदाता सूची, जिले के परसीमन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है निर्वाचन क्षेत्र के परसीमन और आरक्षण पे है। इन सब चीज़ों का निर्णय होने के बाद ये तय करेंगे कि किस तरीके से होना है, सिंबल देना है या नहीं देना है। इस बारे में अभी जो है हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिला पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख सदस्य के जो और ग्राम पंचायतें जो हैं, क्या इनका पुनः परसीमन होगा या पुराने परसीमन पर भी चुनाव होगा? नहीं, परसीमन इनका जो है फिर से नए सिरे से होगा। और करीब 51 जिले में तो पूर्ण रूप से जो है आंशिक परसीमन होंगे, और 3 जिले हैं जिसमें हमारी समझ से संभल है, अमरोहा है और एक गोंडा, संभवतः इन 3 जिलों में जो है पूर्ण रूप से जो है नए ढंग से परसीमन होगा। आरक्षण भी नए सिरे से लागू होगा फिर तो? आरक्षण भी नए सिरे से लागू होगा चक्रानुक्रम में जो है। डॉक्टर साहब, किस महीने में चुनाव कराने की योजना बन रही है सरकार की? चुनाव हमें ये लग रहा है कि हम लोग जो है जनवरी माह में चुनाव कराने की जो है उम्मीद है। डॉक्टर साहब, कार्यकाल जो पंचायतों का है वो अक्टूबर नवंबर में समाप्त हो रहा है, तो क्या कार्यकाल बढ़ाया जाएगा क्या? अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, जनवरी से पहले नहीं हो पाएगा, तो कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इसके कार्यकाल कुछ न कुछ बढ़ेगा, उम्मीद है कि जनवरी में मतलब जिसके चुनाव होंगे, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी तो उसका जो है समय का विस्तार किया जाएगा। अभी इसको लेकर कोई मीटिंग वगैरह कोई अभी प्रस्तावित है? अभी कल परसों पहली मीटिंग लखनऊ में हुई थी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और सुनील बंसल जी का भी मार्गदर्शन प्रदेश महामंत्री संगठन का मिला था। अगली मीटिंग जो है अभी उम्मीद है कि 10 या 15 दिन के बाद होगी। अच्छा, आपके निजी मत से अगर आपको ही प्रदेश प्रभारी अगर मान लो बना दिया जाए, तो चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, पंचायत चुनाव जो हैं, जिससे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सब ऑनलाइन व्यवस्था और टिकट बांटने की? मेरा व्यक्तिगत अगर मतलब जहाँ तक सवाल है सोच का, मेरा व्यक्तिगत तो ये राय भी थी कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव अगर सीधे डायरेक्ट पब्लिक से कर दिया जाए, तो उसमें जो है पूंजीपति लोग जो हैं
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं आएंगे, जिनकी स्वच्छ छवि होगी वो लोग ही मैदान में आ सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो पंचायत का चुनाव जो है सदस्यों के द्वारा, और सदस्य ही जो है, पहले सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। सदस्य ही अध्यक्ष पद के चुनाव में जो है भागीदारी करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब समाचार दर्शन से बात करने के लिए। थैंक यू।